अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सलमान। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी क्लास नंबर है आई थिंक 5th, जो है शटरस्टॉक से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हम लोग अपलोड करना सीखेंगे कैसे आपकी जो वेक्टर फाइल है वो अपलोड होती है। अब जो अपलोडिंग का जो प्रोसीजर है वो सेम है फॉर वेक्टर फाइल, फॉर इमेजेस एंड फॉर वीडियोस। कुछ भी आप अपलोड करना चाहें तो सेम पैटर्न पर अपलोड होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लें। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये हमारी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है, तो यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर अपलोड खुल जाएगा। यहाँ पर वो कुछ कह रहा है कि आपकी जो फाइल है वो EPS होनी चाहिए या JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं भैया, यहाँ से हम लोग अपना जो EPS फाइल क्रिएट की हुई है वो हम यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो थोड़ा सा समय लगेगा, टाइम लगेगा इसको अपलोड होने में, तब तक हम आपसे बात करते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट की वीडियोस बाकी नहीं देखी तो लाजमी जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो नए बिगनर्स को नहीं पता होती हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं फाइंड करके दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में भी हम कुछ ना कुछ ट्रिक्स बताएंगे, कुछ ना कुछ नए पैटर्न बताएंगे। और मेरी प्रोफाइल तो वैसे भी आपको नज़र आ रही है कि अभी तक मेरी कितनी अर्निंग हो चुकी है। इसके अलावा 2021 की जर्नी से रिलेटेड भी वीडियो अवेलेबल है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, मैं नीचे डाउन करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट करेंगे हम, हमारी फाइल अपलोड हो रही है, हो रही है, हो रही है, और होने वाली है, बस थोड़ा सा समय लगेगा। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है फाइल सेटअप से रिलेटेड। अगर आपने फाइल सेटअप की वीडियो नहीं देखी तो लाजमी जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट तरीका बताया कि आपने जो वेक्टर फाइल है वो कैसे सेटअप करनी है, और जो वेक्टर फाइल है वो हर जगह पर अपलोड हो जाएगी। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो है, अगर आपको यूजफुल लगे तो आप लाजमी बताएं। और जो आज की वीडियो है इसको एक्नॉलेज करने के लिए कि आपको कैसी लगी है, कि आपको कैसा इसका अच्छा लगा वीडियो को, आप सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लें, और सेकेंड बात कमेंट में मुझे लिखें अपलोड फाइल। कमेंट में आपने लिखना है वर्ड अपलोड फाइल, ताकि मुझे पता लगे कि आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, भागे नहीं है वीडियो छोड़, क्योंकि अक्सर लोग हाफ वीडियो से पहले ही भाग जाते हैं। तो यहाँ पर अगर फाइल अपलोड नहीं होती, रिफ्रेश करें तो आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर एक सिंपल टेक्स्ट है सलमान के नाम से अरेबिक में लिखा, मैं इसको क्लिक किया, सिलेक्ट होगी। अब यहाँ पर कुछ आपको यहाँ ऑप्शन दे रहा है कि ये आपने फिल करनी है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा करता हूँ अपनी स्क्रीन को, ताकि आपको नजर आ सके मैं फाइल कैसे अपलोड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है उसका टाइटल। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि टाइटल किस तरह हो सकता है? बेसिकली तो ये एक नाम है, ठीक है, हम लिखते हैं उर्दू नेम सलमान इन अरेबिक ABIC अरेबिक स्टाइल। तो एक छोटा सा सिंपल सा मैंने एक टाइटल लिख लिया कि उर्दू नेम सलमान इन अरेबिक स्टाइल, तो एक किस्म का जी ये का आपका टाइटल हो गया। अब सेकंड बात, यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। अब ये आर्ट है, क्या चीज़ है, एक इसको सैम्पल भी कह सकते हैं, ठीक है, सैम्पल में सर्च कर देता हूँ। सेकंड जो ऑप्शन है वो आपकी ऑप्शनल है, रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। इफ मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट रख लेता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट। लोकेशन भी ऑप्शनल है, वो भी आप रख सकते हैं, नहीं रख सकते। रिलीज, रिलीज क्यों रखते हैं, रिलीज तब रखते हैं जब आपका कोई मॉडल हो। यहाँ पर मेरा कोई मॉडल नहीं है क्योंकि इमेज नहीं है, ये वेक्टर है, वेक्टर में कोई मॉडल नॉर्मली नहीं होता। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वीडियो में बात है वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड लाजमी आपने देखें, खुद ही सजेस्ट कर दें, कुछ इनको भी ऐड करूँगा और इससे ज़्यादा भी 50 तक कर सकते हैं। फाइंड मोर पर क्लिक किया तो आपको क्या दिखाएगा, ये जो इसके पास पहले से ही कुछ फाइल्स मौजूद हैं उससे मतलब सर्च दिखा रहा है। ये देखें यहाँ पर ऑटोमेटिकली बता रहा है कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ सलमान नेम इन उर्दू, तो यहाँ पर नहीं है। अगर मैं सलमान नेम करता हूँ द
तब ये कुछ इसने ऑप्शन शो किए। यहाँ पर देखें ये भी सलमान लिखा है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि ये अरेबिक स्टाइल है तो ऑलमोस्ट मिलता जुलता मेरा भी नाम है ऐसे। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट जितने करते जाएंगे मिनिमम 3 करने होते हैं, मैक्सिमम आप 26 कर लें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखें उसने जैसे मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो करी जा रहा है। ठीक है, कैलीग्राफी अरेबिक, अरेबिक कैलीग्राफी आर्ट, अरेबिक डिज़ाइन, अरेबियन, मतलब ये स्टाइल, ये मतलब उससे मुतलिक जो सच उस बंदे ने जो टैग यूज़ किए हैं वो आपको दिखा रहा है कि ये उसने टैग यूज़ किए। अब ऐड ऑल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अभी देखें 41 ऐड हुए हैं, 50 मेरे रहते हैं, इसमें से और करता हूँ। कोशिश करें आप 50 पूरे करें ताकि आपका जो है मैक्सिमम सर्चिज में आ सके, और कोशिश करें आपसे रिलेटेड हो। ठीक है, बिल्कुल ही, अब जैसे ये फाउंड है मतलब इसका मुझे नहीं पता तो आप इसको बेशक छोड़ दें। अभी मेरे 4 रह गए हैं तो मैं अगेन यहाँ से कुछ सेलेक्ट करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये रिलेटेड इमेजेस आपको शो करे, कभी कभी इररिलेटिव भी होगी तो आपने उसको सर्च को अच्छे तरीके से चेंज करना है। 47 हो चुकी हैं, 48 हो गए हैं। यहाँ पर मैं अरेबिक वर्ड, कैलीग्राफी फॉन्ट, ब्यूटीफुल कुछ मतलब इस ना सारे मैं सेलेक्ट कर ली, 50 हो चुके हैं। मैं यहाँ पर अटैच टू सेलेक्टेड कर देता हूँ, सिंपल था, कोई इशू नहीं है। डिस्क्रिप्शन जिसमें आपने टाइटल लिखना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, फिर आपने उसके अलावा उसमें टैग्स डालने हैं और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली वीडियोस में आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी बताऊंगा जहां से आप लोग टैग्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो फ्री वेबसाइट्स हैं, आई थिंक 2 वेबसाइट्स हैं। तो इस अगर आपको लगता है कि ये टैग्स आपके ज़्यादा काम नहीं आ रहे तो उन वेबसाइट से भी आप लोग डाउनलोड करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद आपकी फ़ाइल चली जाएगी पेंडिंग में। अब जो ये फाइल है ये आपकी कम से कम 24 आवर्स से लेके तकरीबन 64 आवर तक लेगी। 24 आवर मतलब एक दिन से लेके 3 दिन तक टाइम लगाएगी। ऊपर लिखा हुआ भी है, मैंने लिखा है पेंडिंग फाइल विल बी रिव्यूड विद इन 5 डेज। नॉर्मली 5 डेज से पहले हो जाता है। अगर आपका बिगनर अकाउंट है तो ये थोड़ा टाइम लगेगी, 4-5 दिन लेगी। लेकिन अभी जो मेरा अकाउंट है ये कभी कभी एक दिन में भी कर देती है, 12 घंटे में भी कर देती है, और इफ़ अगर इनकी जो सर्विसेज में ज़्यादा तेज हो तो 6-6 घंटे में भी फाइल अप्रूव हो जाती हैं। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो गई है। इसमें जो एरर्स आएंगे उस पर भी मैं बताऊँगा कि वेक्टर फाइल में कौन कौन से एरर आते हैं। मेरी भी फाइल अप्रूव नहीं होती कभी कभी, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये देखें मेरी फाइल अप्रूव नहीं हुई, देखने में बहुत अच्छी फाइल बनी है लेकिन फाइल अप्रूव नहीं होती। ये फाइल भी अप्रूव नहीं हुई कश्मीर डे से मतलब, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।